आज का हमारा टॉपिक है रोग की रोकथाम और उसके नियंत्रण। सबसे पहले हम देखेंगे कि रोग कैसे फैला था। तो इसमें हमने पढ़ा था चेन ऑफ इन्फेक्शन, जिसमें रिजर्वर से मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू ससेप्टिबल होस्ट तक डिजीज ट्रांसमिट होता है, ये चेन ऑफ इन्फेक्शन होता है। तो इसमें सबसे पहला हम देखेंगे, सबसे पहला कारण है रिजर्वर। तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले रिजर्वर को कैसे रोकथाम करना है, फिर हम पढ़ेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन के चैनल को कैसे ब्रेक करना है, फिर हम देखेंगे ससेप्टिबल होस्ट को क्या ट्रीटमेंट देना है या फिर कैसे ससेप्टिबल होस्ट को इन्फेक्शन से हम बचा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा है रिजर्वर का नियंत्रण या उन्मूलन। रिजर्वर का नियंत्रण हम कैसे करेंगे? सबसे पहले रिजर्वर के नियंत्रण के लिए ज़रूरी होता है अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी से उसका डिजीज़ का पता लगाना, फिर उसका ट्रीटमेंट करना, ये रिजर्वर के उन्मूलन या फिर रोकथाम के लिए सबसे ज़रूरी होता है। फिर हम देखते हैं उसका ट्रीटमेंट करने के बाद, उसके बाद अगर इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा है तो हम आइसोलेशन करते हैं, फिर आइसोलेशन तब तक करते हैं कि जब तक उनमें डिजीज़ को ट्रांसमिट करने की क्षमता होती है। फिर हम ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट देके ठीक होने के बाद उनका हम क्वारंटाइन रखते हैं। कोविड के टाइम में ऐसा हुआ था कि क्वारंटाइन किया गया था कि बच्चों जो जिन्हें डिजीज़ नहीं भी हुआ था फिर भी उन्हें स्कूल कॉलेज वगैरह जाने से रोका गया था, उन्हें घरों से निकलने के लिए रोका गया था, ताकि जो भी रिजर्वर कम्युनिटी में हैं उनकी वजह से सबको ना फैल पाए डिजीज़, इसलिए क्वारंटाइन यही होता है। फिर हमारा होता है कि अधिसूचना, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या होता है? नोटिफिकेशन होता है कि हमने देखा था कोविड के टाइम में कि हमने अगर अपना कोविड टेस्ट कहीं पर भी करवाया तो अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया तो वो जो पर्सन या फिर वो जो लैब वगैरह हैं जहाँ पे हमने अपना टेस्ट करवाया वो हमारे पॉजिटिव होने की सूचना अपने अपर वालों को देता है, वहाँ से फिर अपर को जाता है। इस तरह से एक डाटा कलेक्ट हो जाता है कि कितने लोगों को ये कोविड फैला है, यही अधिसूचना या फिर नोटिफिकेशन होता है। नेक्स्ट हमारा महामारी विज्ञान जाँच। महामारी विज्ञान जाँच क्या है? महामारी विज्ञान हमने पढ़ा था कि किसी भी डिजीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन डिटर्मिनेंट एंड फिर उसके फ्रीक्वेंसी के स्टडी को हम एपिडेमियोलॉजी या महामारी विज्ञान कहते हैं। तो हम इसकी जांच करेंगे कि कोई भी डिजीज़ अगर आया है तो किस तरह फैल रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी रेट क्या है या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, उसके क्या क्या कारक हैं जिसकी वजह से वो डिजीज़ फैल रहा है। तो रिजर्वर के रोकथाम के लिए ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट हमारा चैनल, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के चैनल को ब्रेक करना। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हमने पढ़ा था तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है डिजीज़। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को हम कैसे रोकेंगे? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जैसे हम हो गए हाथ मिलाना वगैरह हो गया, तो हमने देखा था कि अगर बाहर जाओ किसी चीज़ को टच करो तो हाथ को सैनिटाइज करो, इससे क्या होता है वो जो हमारा चैनल होता है वो सैनिटाइजेशन से ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट हमारा इनडायरेक्ट में एग्जांपल लेते हैं। इनडायरेक्ट में मॉस्क्यूटो था कि दूसरे पर्सन से वो आया फिर हमारे ऊपर, हमें वो मॉस्क्यूटो या फिर मक्खियाँ जो हम पे आके बैठी, तो इसके लिए नेट लगाना या फिर उसको अवॉइड करने के लिए कोई भी उपकरण यूज करना, ये हमारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन के चैनल को ब्रेक करता है। नेक्स्ट हमारा है अति संवेदनशील मेजबान की सुरक्षा, मतलब कि ससेप्टिबल होस्ट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ससेप्टिबल होस्ट को हम प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहला हमारा है इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन्स वगैरह कोविड के निकले थे कि जिन्हें भी कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ था उन्हें सबसे पहले वैक्सीन दिए गए थे, तो ताकि आगे चल के रिजर्वर के कॉन्टैक्ट में आने के बावजूद वो इन्फेक्शन फ्री रह पाए, इन्फेक्शन ना उन्हें हो पाए, डिजीज़ ना ट्रांसमिट हो पाए। तो डिजीज़ ट्रांसमिशन के लिए ये सारे यूजेज में आते हैं। कुछ टॉपिक्स और भी हैं जो डिजीज़ ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, जैसे कम्युनिटी में इंसिडेंस रेट को कम करना, प्रीवेलेंस रेट को कम करना, या फिर हम कह सकते हैं कि मॉर्बिडिटी मॉर्टिलिटी रेट को कम करना, उसके लिए ढेर सारे आइडियाज़, ढेर सारे उपकरण दिए गए हैं जिससे कि हम इन सारे रेट को कम कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा रोग की रोकथाम और उसके उन्मूलन, उसमें हमने तीन टॉपिक्स देखे, रिजर्वर को कैसे रोकना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के चैनल को कैसे ब्रेक करना है, नेक्स्ट हमारा ससेप्टिबल होस्ट की सुरक्षा हमें कैसे करनी है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।